दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जसप्रीत बुमराह को हुई जानलेवा बीमारी, रातों रात छोड़ना पड़ा टीम इंडिया का साथ, भारतीय क्रिकेट को लगा सबसे तगड़ा झटका। तो आखिर इतने लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे बुमराह कैसे रातों रात टीम इंडिया को अलविदा कह गए? कौन सी उन्हें ऐसी जानलेवा बीमारी हुई है जिस वजह से उन्हें भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा में सबसे महत्वपूर्ण शानदार खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों 2022 की नाकामियों के बाद नए साल के नए दौर यानी कि 2023 में भारतीय क्रिकेट सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब दिख रहा था। लंका के खिलाफ टी20 सीरीज में हिंदुस्तान के युवा सितारों ने अपना परचम लहराया था, तो वहीं अब बारी थी 2023 वनडे विश्व कप के आगाज के साथ लंका को 3 मैचों में वनडे सीरीज में रौंदने की, जिसके लिए 130 करोड़ भारतीय उत्साहित थे, क्योंकि टीम इंडिया के सभी सीनियर खिलाड़ी रोहित कोहली, शमी और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही थी। और खास तौर पर जसप्रीत बुमराह, जो कि काफी लंबे समय से चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, उन्हें देखने के लिए हर कोई बेताब था। लेकिन दोस्तों इसे जसप्रीत बुमराह का फिटनेस इशू कहें या भारतीय टीम की बदनसीबी, ये स्टार खिलाड़ी एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी करते चोटिल होकर वनडे सीरीज से बाहर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, खबरें सामने आई हैं कि बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया में खिलाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। केवल इतना ही नहीं, बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को लेकर कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि इस साल एशिया कप के साथ साथ वनडे विश्व कप का आयोजन भी होना है। ऐसे में बीसीसीआई ने फैसला किया है कि बुमराह को वनडे सीरीज से बाहर किया जाएगा। ये खबरें सामने आते ही दोबारा भारतीय क्रिकेट को चाहने वालों के दिल टूट गए, क्योंकि हर कोई इस खिलाड़ी की वापसी देखना चाहता था। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी उठा है कि आखिर जसप्रीत बुमराह को ऐसी कौन सी गंभीर चोट लगी है जिस वजह से वो इतने लंबे समय से बाहर है। तो दोस्तों आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी हुई थी। गेंदबाजी करते समय उनके रीढ़ की हड्डी पर बहुत अधिक दबाव पड़ता था, जिस वजह से उन्हें रीढ़ की हड्डी में सूजन झेलनी पड़ी थी। ये चोट इतनी अधिक गंभीर थी कि जसप्रीत बुमराह इतने लंबे समय तक टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से फिट नहीं दिख रहे, ऐसा बीसीसीआई का मानना है, जिस वजह से बीसीसीआई उन्हें पूरी तरह से यानी 100 नहीं पूरे 120% फिट होने का समय देना चाहती है, जिसके बाद ही बुमराह टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह की गैर हाजिरी में क्या उमरान मलिक को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।